अपने हाथों में अपने इकलौते मृतक बेटे की तस्वीर पकड़ रो रो कर अपना बुरा हाल किए ये वह गरीब परिवार है जिसने अपने इकलौते बेटे दीपक को खो दिया है। दीपक तीन बहनों का इकलौता भाई और पिता के साथ मजदूरी कर घर के खर्च में पिता का हाथ बटाता था, लेकिन इस महीने की बीती 11 जुलाई की रात में दीपक को उसके परिवार से छीनकर मौत रूपी दानव की आगोश में सुला दिया। मृतक दीपक के पिता ने बताया कि गांव का ही रहने वाला राजा मसीह 11 जुलाई को 7:30 बजे उनके घर आया और दीपक को मोटरसाइकिल में साथ लेकर चलने को कहा। मृतक के पिता ने आगे बताया कि मैंने राजा मसीह को कहा कि मोटरसाइकिल चाहे ले जाओ लेकिन दीपक को मत ले जाओ, लेकिन राजा ने कहा कि वो जल्दी आ जाएंगे और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद फोन किया तो दीपक ने कहा कि वो जल्द वापस आ रहा है, लेकिन करीब 5 मिनट बाद ही राजा का फोन आया तो उसने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है और दीपक की मौत हो गई है। जब मौके पर पहुंचे तो एक्सीडेंट होने का कोई भी निशान नहीं मिला। पीड़ित परिवार का कहना था कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके बेटे की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई बल्कि उसका कत्ल किया गया है और पुलिस द्वारा केस रफा दफा करने के लिए एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है। पीड़ित पिता का कहना था कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे लोग अपने परिवार समेत धारीवाल पुलिस थाना के सामने आत्महत्या कर लेंगे। मामला यह है, अभी मुड़ा मेरा काम तो आया, ये राजा आया, मैं कहा मोटरसाइकिल ले जा, कहिंदा काम दे देने, 1.5 घंटे तेने मुड़ा दे देने, 7 बजे खड़ा, 8:30 बजे हम लाश मिल गई। ये लागे चंगा भला, ये 11 तरीक 7 to 8:30 पुलिस कहती है भी अज एक्सीडेंट वा, अही कहने कदर राजे ने किया, घरों इन्हें खड़े कहना 1.5 घंटे तेने मुड़ा दे देना, मुंडा ही चाहिए। अही मांग करने भी चाहे जेल दी जाए चाहे फांसी दी जाए, जिदा अही रोन डे उन्हों का परिवार ही अदर रो, जो साडा इंसाफ ना है तो मैं सारी फैमिली अपनी खड़ के थाने अग ला के मर जाना वा, मैनू कोई टेंशन नहीं, जो मेरा एक बच्चा नहीं रहेगा, मेरा सहारा है वही, तीन मेरिया बेटियां, मैं मेहनत मजदूरी का काम करना, तीन मेरिया बेटियां गरीब परिवार हाँ मिस्त्रियों मगर मैं काम करना, जे इंसाफ ना मिले तो आप थाने जाके तेल पा के सारे जिया ने मर जाना। वह पीड़ित परिवार से दुख साझा करने पहुंचे मजदूर यूनियन के नेताओं का कहना था कि हमने इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार समेत पुलिस के इंसाफ के लिए धारीवाल थाना के बाहर बीती 12 जुलाई को रोष प्रदर्शन भी किया था और उस समय पुलिस अधिकारियों ने तफ्तीश कर पीड़ित परिवार को इंसाफ देने और दोषियों को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया। इसलिए पुलिस प्रशासन से वे अपील करते हैं कि पुलिस इस गरीब परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दे ताकि उन्हें दोबारा इंसाफ के लिए पुलिस के खिलाफ सड़कों पर ना उतरना पड़े। 9 जून भी शिंदे ते हमला होया, पर शिंदे ते हमला नहीं आया, 2 होर नौजवानों ते इत्थे उन्होंने हमला किया दोषियों ने, और 9 तरीक तो लैके 11 तरीक तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने वालों धमकियां मिल रही ने, और किसी योजना बना के मुंडे को घरों खड़िया गया, असी समझते हैं कि योजना बनाई गई है प्लैन प्री प्लैन ढंग मुंडे को घरों बुलाया गया, और जिमें शिंदा दसता मुंडे का पिता दसता कि मैंने फोन आया भी मैं माता राणी के खुंडी के कोल खड़े हाँ असी अं आ गए, उस तो बाद 10-15 मिनटों बाद फोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया ज कतल हो गया, इदा का आया कि पूरा हो गया इतने आओ, इस करके जिमें असी 11 तरीक न थाने के गाड़ी धरना भी लाया और पुलिस ने विश्वास दवाया, DSP साहब आके उन्होंने सानू बुला के गल की कि असी जड़ा वा कार्रवाई करांगे, दोषियों को फड़ांगे, और जी समझते अं समझते पुलिस समझिए कि शक के आधार पर भी अं इनकुआरी करांगे, इनकुआरी की भी हुण तक कोई रिपोर्ट नहीं हैगी, पुलिस जी अपने आप च मस्त हुई है, और पुलिस को चाहिए कि फौरी जड़ा वा कि घर वाले कह रहे शक करते कतल होया तो वह जो बंदा जिन्हें राजा मसीह ने सद के खड़िया वह बंदे ने इस ढंग नाल इस गल नाल कि मैं विश्वास दवा के कि मैं बच्चे के पिता नूं कि असीं हुणे भेज देने आ हुणे दे देने आ ते उहदी लाश आई इहदा मतलब कि किसी ने कोई प्री प्लैन ढंग नाल कतल किया गया। इस सारे मामले के बारे में पुलिस अधिकारी प्रहलाद सिंह से बात की तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया कि मृतक दीपक का एक्सीडेंट हुआ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही अगली कार्रवाई होगी। जो घर वाले दे किसी शक करते सी उस वक्त ही तफ्तीश की है, पर वो गल सामने कोई नहीं आई कि उहदे किसी ने कोई सट्टा मार के मारिया हो जां कोई गल हो। उस तो बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिहड़ी है वो स्टिल अवेटेड है, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी असं वो मुताबिक जो कोई गल आई तो उस पहलू तो तफ्तीश करके भी वह जी कर मत क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी स्टिल अवेटेड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो भी गल है वो मुताबिक उस पहलू तो भी तफ्तीश की जाए। गुरदासपुर से नशबस के लिए भोपाल सिंह की रिपोर्ट।